डायनासोर। ये नाम सुनते ही हमारा दिमाग में ख्याल आती है बड़ा दांत, बड़ा नाखून, खतरनाक चेहरा और बहुत ही शक्तिशाली एक जीव। जैसे कि हमें मूवी में दिखाया जाता मुर्गा जैसा छोटा माइक्रो रैप्टर से लेकर पांचवी मंजिल जैसा बड़ा अर्जेंटिनोसॉरस तक होते हैं। इनमें से शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक था। लेकिन सवाल ये है, आखिर में ये सब डायनासोर इतना बड़ा होता कैसे? अगर बड़ा होता भी है तो आज के समय पर मौजूद जो सब जीव हमारी धरती पर अब है, जैसे कि शेर, लकड़बग्घे, हाथी, ये सब और भी बड़ा क्यों नहीं होता? वेल, इसके कुछ सिंपल सी रीज़न है जो आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम आज के युग के जानवर के साथ ये विशाल का जीव की तुलना करें तो इन डायनासोर का इतना विशाल होना नामुमकिन सा लगते हैं। प्रकृति इस बात में ज़्यादा सहयोग नहीं देगी, पर समुद्री जीव के अलावा डायनासोर ही धरती का पूरा इतिहास में सबसे बड़ा जीव रहे। आज के युग के कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी जीवों का एवरेज वजन होता है 10 से 100 किलो तक, जबकि डायनासोर का एवरेज वजन इससे 10 गुना ज़्यादा होता था। या फिर अगर हम बात करें शाकाहारी सबसे बड़ा जीव हाथी की, फिर भी इससे भी 10 गुना विशाल होता था सौरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस, जबकि सौरोपॉड भी एक शाकाहारी जीव था। अगर सब कुछ सेम है तो हाथी भी इनकी तरह विशाल क्यों नहीं बन सकता? वेल, इसका सबसे जो बेसिक रीजन होता है वो है डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। दुनिया में मौजूद सभी जीव जिंदा रहने के लिए अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालते हैं। जैसे कि जिराफ अपना गर्दन को लंबा करने की वजह से ये ऊंची पेट का पत्ता काफ़ी आसानी से खा सकते हैं। घोड़ों का पैर छोटे से बड़ा होने की वजह से ये पहले से और भी ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। और ये सब परिवर्तन ये सब जीव को सर्वाइव करने में मदद करेगा। हाथी की शक्तियाँ इन्हें सर्वाइव करने में मदद करेगी और शेर के लंबे नखीले दांत इन्हें सर्वाइव करने में मदद करेगी। और ये सब मदद ये सब जीव को प्रकृति में जिंदा रखने में मदद करते हैं। तो इसीलिए ये विशेषताओं को जीव अपना वंशज को आगे बढ़ा पाया और दुनिया के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि यही डिज़ाइन जानवरों को आगे जाके जिंदा रहने में मदद करते हैं। इसके अलावा और सभी जीव जैसे कि एक चपटे दांत वाला शेर अगर भूख से मर गया तो इसका वंशज को ये और आगे बढ़ा नहीं पाएगी। और बिल्कुल यही चीज़ भी डायनासोर के साथ भी आधारित होती है, लेकिन उस समय में और आज के समय पर काफ़ी फर्क था। एक रिसर्च के अनुसार डायनासोर के समय पर पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा था, जिससे इस डायनासोर के शरीर में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से ज़्यादा ऊर्जा की उत्पादन हुआ और ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो सके। ऑक्सीजन कोशिकाओं के विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी के ज़्यादा मात्रा में पाए जाने में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होने में मदद किया। उदाहरण के तौर पर यह है एक आम ड्रैगन फ्लाई, जिसे डायनासोर के समय पर मेगानोरा कहा जाता था और यह आज के ड्रैगन फ्लाई से लगभग 50 गुना ज़्यादा बड़ा था। और ये जीव आज से करीब 30 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। अब दूसरा और शायद सबसे मुख्य वजह यह है, डायनासोर और हम इंसान और सभी मैमल्स के जन्म होने की प्रक्रिया काफ़ी अलग है। मैमल्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं अपने ही शरीर के अंदर और फिर जैसे ही ये बड़ा हो जाता है इसे अपने शरीर से अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जेस्टिनेशन और ये प्रक्रिया मैमल्स के आकार पर बंदिशें डालते थे। लेकिन डायनासोर तो पक्षी की तरह ही अंडा देता था, जिसे ये एक टाइम पर एक ही बारी में 10 से 12 अंडा तक दे सकता था। और यहाँ पर मजे की बात तो यह थी, क्योंकि ये बच्चे का विकास इनका शरीर में नहीं हो रहा था तो इसमें प्रकृति द्वारा कोई रोक टोक नहीं था। इसीलिए बड़ा सा बड़ा डायनासोर भी सिर्फ एक छोटा सा अंडे से निकल कर जिंदगी भर इसका विकास होता रहता था, बिल्कुल एक पेट की तरह। आखिर में ये विशाल सा जीव का शरीर को सपोर्ट करने में प्रकृति भी काफ़ी मदद करता था। मैमल्स की हड्डियाँ अगर देखा जाए तो ये काफ़ी भारी और मजबूत होता है, लेकिन अगर हम पक्षियों के साथ तुलना करें तो पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। पर पक्षियों को ये खोखली हड्डी मिली कहाँ से? जी हाँ, पक्षियाँ डायनासोर के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। बड़े से बड़े डायनासोर भी जैसे कि सौरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस भी पक्षी से रिलेटेड हैं। सौरोपॉड की गर्दन लंबी और सर छोटा होता था और इनका हड्डियाँ खोखली होती थी, बिल्कुल पक्षी की तरह। और ये अपने खाने को चबाए बिना सीधा ही निगल लेता था और इनका पेट का साइज भी काफ़ी विशाल होता था। और सबसे खास बात, इनके कंकाल में एयर सैक्स पाए जाते थे, जिसे हम बायोलॉजिकल बलून कहते हैं। ये बेसिकली डायनासोर की हड्डी को हल्के होने के बावजूद इसे मजबूती देते थे और इसी के कारण बड़े से बड़े डायनासोर की हड्डी में भी अत्यधिक ताकत होती है। और यही एयर सैक्स आज के समय पर मौजूद हमिंग बर्ड से लेकर ऑस्ट्रिच तक सभी पक्षी में पाए जाते हैं। और इसके अलावा एयर सैक्स डायनासोर के शरीर का गर्मी को भी बाहर निकल देता था, जिनका कारण इनका आकार और भी विशाल होता था। तो ये सब मुख्य कारणों की वजह से आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के आकार ज़्यादा से ज़्यादा विशाल होती थी।
और इस तुलना में आज की एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। और ये सब कारणों की वजह से धरती में मौजूद अभी का जीव डायनासोर जैसा बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो, आपके सवाल हमें कमेंट करो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके सवाल के साथ। तब तक के लिए प्यार में रहिए हमारे और प्रकृति के साथ।